Hello. Good evening, everyone. Kunal Ludhwani. Okay, perfect, perfect, Kunal. Chalo, let's start. Let's start. Let's start. अगर आप लोगों को कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग द क्लास, सो यू कैन बेसिकली कॉन्टैक्ट ऑन यू कैन बेसिकली कॉन्टैक्ट एंड यू कैन नोट डाउन द नंबर. इन केस ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा. नंबर इज 7505391451. इन केस ऑफ एनी टेक्निकल प्रॉब्लम आप लोग प्लीज इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा. सर इज द टेक्निकल हेड इन आवर सेंटर एंड ही विल मेक यू ही विल क्लियर ऑल योर टेक्निकल प्रॉब्लम. सो यू कैन कॉल हिम. सो होपफुली सभी लोगों ने लॉग इन कर लिया है. चलिए अब ध्यान सुनिएगा, हल्का सा एक रिकैप लेते हैं कल की क्लास का, फिर आज एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे. हम लोगों ने कल की क्लास में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा था. आपने देखा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, एक समराइज्ड कैश बुक होता है. फिर इसके बाद में हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में सीखा था. तो मैंने आप लोग को ये बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन एक्यूरल बेसिस एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स ही रिकॉर्ड होंगे. जो नॉन रेवेन्यू आइटम्स हैं, जो कैपिटल आइटम्स हैं, जो कि नॉन रिकरिंग इन नेचर हैं, वो आपके रिकॉर्ड नहीं होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच आइटम. अब हम लोग बहुत सारे आइटम्स को डिस्कस करेंगे जो कि रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं. प्लीज़ ध्यान सुनिएगा, अब हम लोग यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स को डिस्कस करेंगे जो कि आइदर रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं. तो अगर मैं सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर किसी आइटम की बात करना चाहूँ तो फिर वो होगा एनुअल सब्सक्रिप्शन. तो अभी हम लोग किसके रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं. अभी ध्यान से मेरी बात को समझिएगा. एनुअल सब्सक्रिप्शन, हर मेंबर, एवरी मेंबर पेस subscription annually to a NPO. हर member क्या करता है, subscription annually pay करता है अपने NPO को to avail the services. जो भी services NPO दे रहा है, जो भी सुविधाएँ services एक NPO अपने members को provide कर रहा है, उसके लिए हर member को क्या करना पड़ता है, annual subscription pay करना पड़ता है, हर साल इसको pay करना पड़ता है. So is it a revenue item or a capital item? It is a revenue item. It is revenue in nature.
तो बताओ जो चीज़ें रेवेन्यू इन नेचर हैं वो कहाँ पर आएंगी? इट वुड बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. जो भी आइटम्स मेरे रेवेन्यू इन नेचर हैं ये हमारे आएंगे कहाँ पर? इट वुड बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ये कहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं हमारे? ये आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं, ये आइटम्स आते हैं हमारे इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो अब अगर हम लोग बात करें तो मेरा एनुअल सब्सक्रिप्शन से जो भी पैसा हमको रिसीव हुआ वो कहाँ पर आ जाएगा? वो आ जाएगा मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को एक स्टूडेंट्स की. सपोज करिए मुझे ड्यूरिंग द ईयर जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ वो था ₹1,00,000. ड्यूरिंग द ईयर द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन इज ₹1,00,000. मुझे ₹1,00,000 मिला है एनुअल सब्सक्रिप्शन से. अगर मैंने इसमें कहा कि मुझे एरियर है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर इज 20,000, तो बताओ ऐसे केस में मेरी इनकम कितनी हो जाएगी? प्लीज़ ध्यान से मेरे क्वेश्चन को फिर समझिएगा. अगर मैं कहता हूँ मुझे एनुअल सब्सक्रिप्शन से मेंबर्स ने ₹1,00,000 दिया, मगर ₹20,000 अभी भी बकाया है, ₹20,000 का पेमेंट अभी मेंबर्स ने नहीं किया है, वो आउटस्टैंडिंग है. सो जो ये आउटस्टैंडिंग एरियर सब्सक्रिप्शन है क्या ये भी मेरे इस साल की इनकम है जो कि मुझे इस साल रिसीव नहीं हुआ? यस, क्योंकि हम लोग एक्रुअल कंसेप्ट को फॉलो करेंगे और एक्रुअल कंसेप्ट के हिसाब से आप उस पीरियड की इनकम को रिकॉग्नाइज करोगे जिस पीरियड में वो अर्न हुआ है, ना कि जब वो कैश में रिसीव होता है. तो कहने का मतलब क्या है, ₹1,00,000 तो हमको इस साल का कैश में रिसीव हो गया है, मगर ₹20,000 हमें कैश में रिसीव नहीं हुआ है. तो मेरी इनकम ₹1,00,000 नहीं होगी, मेरी इनकम हो जाएगी ₹1,20,000. मेरी इनकम कितनी हो जाएगी? मेरी इनकम हो जाएगी, इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन वुड बी ₹1,20,000. प्लीज़ ध्यान से बात को फिर से समझिएगा. फिर से रिपीट करूँ, यहाँ पर मैंने कहा आप लोगों से कि अगर मुझे सब्सक्रिप्शन से ₹1,00,000 मिलता है, मगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मुझे ₹20,000 इस साल नहीं मिला एनुअल सब्सक्रिप्शन से, सो क्या मेरी इनकम ₹1,00,000 होती है? नहीं, मेरी इनकम ऐसे केस में फिर ₹1,20,000 हो जाएगी, ₹1,20,000 एंड नॉट ₹1,00,000. सर क्यों आपने इसको ऐड कर दिया अपनी इनकम में? क्योंकि जो हमको पैसा इस साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ वो भी तो मेरे इस साल की इनकम का पार्ट है या नहीं है? बिल्कुल है. तो मैं कहूँगा मेरी इनकम फिर कितनी हो जाएगी ऐसे केस में? मेरी इनकम हो जाएगी ऐसे केस में ₹1,20,000. सर प्लीज़ राइट क्लियरली. आई एम ट्राइंग टू राइट वेरी क्लियरली राजीव, आई थिंक सो. थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण चीज़ें नहीं क्लियर आ सकती हैं, मगर मैं अपने हिसाब से बहुत ही क्लियरली लिख रहा हूँ. सो इसमें इस फंडे में अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो देन यू कैन पोस्ट योर क्वेरी. एनी डाउट? सर एक बार फिर से, ओके एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से. यहाँ पर देखिए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं एज पर एक्रुअल कंसेप्ट. एक्रुअल कंसेप्ट आप लोगों को पता है, एक्रुअल कंसेप्ट में ये होता है कि आप उस पीरियड की इनकम को मानते हो जब वो इनकम अर्न होता है, ना कि
तब मानते हो जब वो कैश में रिसीव हो। तो मैंने कहा अगर मुझे इस साल सिर्फ 1 लाख रुपए कैश में रिसीव हुआ है मगर 20,000 रुपया मेरा आउटस्टैंडिंग है, मुझे अभी तक कैश में रिसीव नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पर इनकम 1 लाख रुपए नहीं दिखाऊंगा, 1,20,000 रुपये दिखाऊंगा। मतलब जो अमाउंट मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा वो 1 लाख रुपये नहीं होगा, वो होगा 1,20,000 रुपये, क्योंकि जो ये 20,000 रुपये मुझे रिसीव नहीं हुआ है वो भी मेरे इनकम का पार्ट है, मैं उसको इनकम में ऐड कर दूंगा बिकॉज इट इज़ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। वो मेरा इस साल का आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, मुझे इस साल वो पैसा रिसीव नहीं हुआ है, तो मेरे लिए इनकम 1 लाख रुपए ना हो करके 1,20,000 रुपए है। ये देखिए ध्यान से, तो फिर हम लोग फिर आगे प्रोसीड करें। सर तो आउटस्टैंडिंग तो शो करेगा ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बेसिकली हमारा दो जगह पर आता है, हम उसके ऊपर बाद में आएंगे, बट आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपकी इनकम कितनी होगी। आपकी इनकम 1,20,000 रुपये होगी। अगर मैंने इंसान जो जो सामान को सेल किया है उससे अगर मुझे 100 रुपये मिलता है और मेरा अगर 10 रुपये बकाया है तो मैं अपने सेल्स को सिर्फ 100 रुपये नहीं दिखाऊंगा, मैं अपने सेल्स को 110 रुपये दिखाऊंगा। सर एनुअल सब्सक्रिप्शन दोनों अकाउंट में दिखेगा? कौन से दोनों अकाउंट में? बिल आपको सिर्फ हम लोग यहाँ पर इतनी बात कर रहे हैं कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपके लिए जो साल भर की जो इनकम होगी वो कितनी होगी फ्रॉम द एनुअल सब्सक्रिप्शन, तो फिर आपकी जो इनकम होगी वो होगी 1,20,000 रुपये, क्योंकि 1 लाख रुपये तो आपको मिला है, और जो 20,000 रुपये आपको नहीं मिला वो भी आपके लिए इनकम का पार्ट हो जाएगा। चलिए आई होप सो देर इज़ नो फर्दर डाउट। चलिए अब बहुत ध्यान से फिर आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। सो जैसे कि आपने देखा कि इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 20,000 रुपये, हो सकता है कि ये पैसा आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो फिर जब आपको नेक्स्ट ईयर ये पैसा मिलेगा तब आप इनकम नहीं मानोगे, आप इसको इनकम इस साल का मान लोगे। तो ऐसे क्या ऐसा भी हो सकता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा पिछले साल में भी रहा हो? सपोज़ करो 10,000 रुपया मेरा पिछले साल मेंबर्स ने नहीं दिया था जो कि उन लोगों ने इस साल पे किया है। ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा और एग्जांपल को आगे बढ़ने दीजिए। आई होप सो कि आप लोगों को जो भी डाउट हो रही है यहाँ पर वो सब कुछ क्लियर हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर कुछ रहा हो? जैसे मैं आप लोगों को कह रहा हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा लास्ट ईयर था, मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर था और रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हुआ है मुझे, ये लेट से मुझे हुआ है 10,000 रुपये। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, 10,000 रुपये का जो सब्सक्रिप्शन है मेरा वो मेरा पिछले साल का सब्सक्रिप्शन बाकी था, वो मुझे इस साल रिसीव हुआ है। मतलब पिछले साल का मेरा सब्सक्रिप्शन कितना बाकी था? 10,000 रुपये, वो मुझे इस साल रिसीव हुआ है। तो अगर आप बात को समझोगे ध्यान से यहाँ पर, तो जो 1 लाख रुपये का अमाउंट है, 1 लाख रुपये में आपको 10,000 रुपये तो पिछले साल का रिसीविंग है, 1 लाख रुपये पूरा का पूरा इस साल के रिसीविंग नहीं है। ये जो 1 लाख रुपये हमको मिला है उसमें से 10,000 रुपये तो मेरे पिछले साल की रिसीविंग है। तो अब इस साल की मेरी रिसीविंग कितनी होगी? इस साल की मेरी रिसीविंग सिर्फ और सिर्फ 90,000 होगी। इस साल की मेरी रिसीविंग सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी? 90,000। और उसमें अगर मैं इस साल का और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड कर दूँ तो फिर वो होगा 20,000 रुपये। स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। सपोज करिए मुझे इस बार मेरे डेटर्स ने मुझे सपोज करिए 100 रुपये दिया और अभी भी मेरा 20 रुपये अगर उनके पास में अगर बकाया है, मतलब मैंने उनको कितने का सेल किया होगा? अगर उनसे मुझे 100 रुपये मिला और 20 रुपये अभी भी बकाया है तो इसका मतलब है मेरा जो इनकम है, जो मेरा सेल है, वो तो 120 रुपये का हुआ।
100 दिया और 20 बकाया हो गया, तो फिर मेरे लिए सेल कितना हो गया, 120 रुपये हो गया। अगर मैं कहूँ कि उन लोगों ने जो 10 रुपये मुझे दिया था, 100 में से 10 रुपये जो कि दिया था वो पिछले साल का था, इस साल का नहीं था, तो अब हम क्या करेंगे, उस 100 में से 10 रुपये को हटा देंगे क्योंकि वो इस साल का इनकम नहीं था, वो इस साल की सेल नहीं था, वो जो पैसा हमको मिला है 100 में से 10 रुपया वो पिछले साल के लिए मिला है। तो इस साल के लिए आपको बस कितना मिला है, इस साल के लिए आपको मिला है 90 और 20 इस साल का आपका आउटस्टैंडिंग है। तो इस साल की आपकी इनकम कितनी बन गई, इस साल की इनकम बन जाती है आपकी 110। कितनी बन जाती है, 110। तो अभी हम लोग एक फॉर्मूले पर आ रहे हैं यहाँ पर, विच इज टू डिराइव इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन। अभी कोई राइट डाउन नहीं करेगा क्योंकि मैं आप लोगों को परफेक्ट फॉर्मूला लिख करके अभी अलग से दूंगा, तो प्लीज अभी आप लोग कुछ भी राइट डाउन नहीं करिएगा। मैं अभी एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, विच इज इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप करोगे अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपने यहाँ पर किया अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, फिर आप यहां पर ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर और लेस कर दोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर। प्लीज ध्यान समझिएगा, हमको जितना पैसा मिला प्लस जो इस साल का बकाया है उसको तो ऐड कर लिया, मगर जो पिछले साल का बकाया है उसको माइनस कर दिया क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं है। इस साल हमको पैसा जरूर वो रिसीव हुआ मगर वो इनकम इस साल की नहीं है, वो इनकम पिछले साल की है। जैसे जो इस साल का बकाया रह गया वो इस साल की इनकम है, उसका पैसा हमको कब रिसीव होगा, उसका पैसा हमको अगले साल रिसीव होगा, मगर हम उसको इनकम तो इस साल की दिखाएंगे ना। वैसे ही जो पिछले साल का जो हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो मेरा पिछले साल की इनकम नहीं है, वो मेरा इनकम इस साल की है। तो हमने अगर इसको इस साल के अमाउंट रिसीव में इंक्लूड किया हुआ है तो फिर हम उसको यहाँ से हटा देंगे, हम उसको यहाँ से माइनस कर देंगे। फिर अगर हम लोग बात करें तो और भी फंडा हो सकता है यहाँ पर, जैसे कुछ मेंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन लोगों ने मुझे लास्ट ईयर ही एडवांस दे दिया हो इस साल के लिए, मतलब कुछ मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने मुझे पिछले साल एडवांस दिया हो फॉर द करेंट ईयर। उन लोगों ने क्या किया, जब पिछले साल का अपना मेंबरशिप दिया तो फिर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जिनको पता होता है कि हम आगे भी 2 सालों तक इस क्लब के मेंबर रहेंगे, तो फिर उन्होंने मुझे पिछले साल ही इस ईयर का भी जो सब्सक्रिप्शन है वो भी एडवांस में हमको पे कर दिया। तो ऐसे केस में अब मेरे लिए वो भी इस ईयर के लिए इनकम बन जाएगा। प्लीज़ ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर कोई मेंबर मुझे पिछले साल एडवांस देता है फॉर द करेंट ईयर, मतलब उस मेंबर ने मुझे पिछले साल एडवांस का पैसा दिया था कब के लिए, इस साल के लिए, तो फिर वो मेरा पिछले साल का इनकम नहीं था, वो इनकम मेरा इस साल का कहलाएगा। जब हमको पैसा रिसीव हुआ हमको उस पास से मतलब नहीं है, जब वो इनकम अर्न होगी उस पास से मतलब है, मतलब जिस ईयर की सब्सक्रिप्शन है आप उसी ईयर उसको इनकम के रूप में दिखाओगे। भले ही आपको पिछले साल अगर करंट ईयर के लिए एडवांस आपको मिल जाए, आप उसको पिछले साल की इनकम नहीं मानोगे, आप उसको करंट ईयर की ही इनकम मानोगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे हम लोग एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर। अगर हमको एडवांस मिला है लास्ट ईयर में तो फिर आप क्या करोगे, उसको ऐड कर दोगे, क्योंकि बेसिकली जो लास्ट ईयर आपको एडवांस मिला है वो आपको इस साल के लिए एडवांस मिला है। और हो सकता है कि जैसे पिछले साल कुछ मेंबर्स ने हमको एडवांस दिया था, हो सकता है इस साल भी कुछ मेंबर्स हमारे क्लब को एडवांस दें। एक क्लब है, क्लब में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पैसा बकाया रखते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पैसा आपको एडवांस में दे देते हैं। तो कुछ ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने इस साल हमको अगले साल के लिए एडवांस दे दिया, तो बताइए स्टूडेंट्स क्या वो मेरी इस साल की इनकम है, नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उसको अपनी इनकम में से माइनस कर दूंगा, मैं लेस कर दूंगा। लेस क्या चीज़ करूंगा, मैं लेस करूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करेंट ईयर।
और ये मेरा आ जाएगा इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन। ये अभी आप लोग को नोट डाउन नहीं करना है, बेसिकली आप लोग इस फॉर्मूले को नोट डाउन करिएगा जो कि मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिख के रखा है। आप लोग यहां पर इसको नोट डाउन करिएगा। ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा मैंने अभी आप लोगों को समझाया था। मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझा दूंगा, आप लोग नोट इसको करेंगे उसको नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट वही चीज़ लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है और लिखने का तरीका ज़्यादा एग्जैक्ट है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। होपफुली आप लोग इतनी बात को समझ चुके होंगे। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे आपको इस साल कितना पैसा रिसीव हुआ है, उसमें से आपको ऐड करना है इस साल का आउटस्टैंडिंग, लेस करना है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। ऐड करेंगे पिछले साल का एडवांस, लेस करेंगे इस साल का एडवांस। प्लीज ध्यान समझिएगा, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है तो पिछले साल का एडवांस प्लस होता है, इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है पिछले साल सॉरी इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, मगर इस साल का एडवांस, इस साल जो एडवांस हमको रिसीव हुआ वो माइनस होता है। फिर से रिपीट करूं, हम लोगों ने अभी क्या समझा, आपने ये समझा कि लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो आप माइनस करोगे, इस ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करोगे, लास्ट ईयर के एडवांस को आप प्लस करोगे, करंट ईयर के एडवांस को आप माइनस करोगे, या ऐसे कहो आप कि भैया पिछले साल का जो बकाया है वो तो माइनस मगर पिछले साल का एडवांस प्लस, इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो तो प्लस मगर इस साल का जो एडवांस है वो माइनस, वो लेस। तो प्लीज़ आप लोग इतने चीज़ों को जो है नोट कर लीजिए एक बार, इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन। अब किसी को इसमें कोई भी डाउट हो तो फिर वो प्लीज़ मेरे से पूछे। ऑलमोस्ट मैंने इस फॉर्मूले को भी वैसा ही लिखा है जैसे मैंने वहाँ पर लिखा था, इसमें शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर है, ये ज़्यादा एग्जैक्ट है, ये आपको बाद में समझ में आएगा। सर दोनों एक दोनों अकाउंट में ऐड करके नोट करेंगे या अलग अलग, सॉरी द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। कौन से दोनों अकाउंट की आप लोग बात कर रहे हैं, राजीव और रियोम, ये समझ में नहीं आ रहा। राजीव और रियोम आप लोग किस दोनों अकाउंट की बात कर रहे हैं, अच्छा एनी डाउट टिल हेयर, एनी डाउट टिल हेयर, प्लीज रिपीट वन मोर टाइम आउटस्टैंडिंग। प्लीज ध्यान से यहां पर देखिएगा, आदित आईफोन व्हाट्स योर डाउट, सर एडवांस क्यों ऐड होगा। ओके परफेक्ट, ध्यान से सुनिएगा। पहले एक लोगों ने कहा आउटस्टैंडिंग समझाने के लिए, एक लोगों ने कहा अभी एडवांस समझाने के लिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर आउटस्टैंडिंग है, इस साल अगर हमको पैसा नहीं मिला है तो बेसिकली आपके लिए वो इस साल की इनकम है या नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ इस साल मुझे 100 रुपये मिला, देखो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिया, आप इस वाले जो अमाउंट है, जो ये अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है, अगर आप लोग इन डेप्थ में बातों को समझना चाहें तो आप लोग ये समझिएगा, आपने जो ये अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिया है, पता है ये स्टूडेंट्स आप कहाँ से लेते हैं, ये आप लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। आप इस अमाउंट को कहाँ से लेते हैं, आप इस अमाउंट को लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। यू हैव टेकन दिस अमाउंट फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो पैसा आपको रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। अब ध्यान समझो, आपको अगर इस साल सिर्फ 100 रुपये मिला है और अगर 20 रुपये आपको इस साल नहीं मिला है तो वो 20 रुपये भी तो फिर हमारे इस साल की इनकम है या नहीं है, बिल्कुल है। तो फिर हमने उसको ऐड कर दिया, मतलब ऐड कर दिया इस साल के आउटस्टैंडिंग को। सर अब बात को ध्यान समझिएगा कि अगर पिछले साल मेरा 10 रुपये बकाया था तो इसका मतलब है वो 10 रुपये मुझे इस साल मिला है। मैं कहूँ कि अगर इस साल मुझे 100 रुपये मिला मगर मेरे को ये जो 100 रुपये मिला है
उसमें से 10 रुपया पिछले साल का मिला है, तो मेरे को इस साल के लिए सिर्फ कितना मिला है, क्योंकि मुझे तो इनकम सिर्फ इस साल की देखनी है ना, तो मैंने यहां पर क्या किया, लेस कर दिया आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर। मैं ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर, मगर लेस करूंगा आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर। सिमिलरली ध्यान से बात को समझिएगा, मुझे अगर पिछले साल 5 रुपया किसी ने एडवांस दिया था फॉर द करेंट ईयर, किसी मेंबर ने मुझे 5 रुपया एडवांस दिया था फॉर द करेंट ईयर, ऑब्वियसली वो मेंबर फिर से मुझे तो फिर पे नहीं करेगा इस साल, मगर वो जो 5 रुपया मुझे पिछले साल मिला था क्या वो इस साल की इनकम में ऐड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो मेरा पिछले साल की इनकम नहीं था, वो मेरे लिए इस साल की इनकम था। तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर। देखिए मैंने यहाँ पर सारी बातों को लिखा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर फॉर द करेंट ईयर। अच्छा अगर मैं कहूँ किसी ने मुझे इस करेंट ईयर में एडवांस दिया है आगे के सालों के लिए, मतलब हो सकता है कोई ऐसा मेंबर हो जो कि मुझे इस साल एडवांस देता हो फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो बेसिकली वो भी मेरे लिए इस साल की इनकम नहीं। जैसे मुझे अगर ये 100 रुपये मिला है और 100 रुपये में से अगर 15 रुपये मेरे को एडवांस मिला है, तो ये जो 100 रुपये में से जो कि 15 रुपये मेरे को एडवांस मिला है वो मेरे लिए इस साल की इनकम नहीं होगा, वो मेरे लिए नेक्स्ट ईयर की इनकम होगा। तो फिर मैं ऐसे एडवांस को क्या करूँगा, मैं ऐसे एडवांस को यहाँ पर से माइनस कर दूँगा। अब मेरे हिसाब से ये फंडा सभी के लिए क्लियर होगा। सो बहुत ही छोटी सी बात है, अगर आप लोग एकदम सिंपल वे में अगर इसको लिखना चाहें तो फिर एकदम सिंपल वे में क्या किया हम लोगों ने, यहां पर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड किया है एडवांस लेस किया है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपने लेस किया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है और एडवांस ऐड कर दिया है। सो होपफुली ये फंडा सभी के लिए क्लियर होगा। चलिए इस पर बेस्ड हम लोग कुछ एग्जांपल्स पहले सॉल्व करते हैं, होपफुली सभी ने जो है नोट्स को डाउनलोड कर लिया है और देख लिया है एक बार। चलो तो लेट अस कम टू एग्जांपल नंबर 1 फर्स्ट। पहले एग्जांपल नंबर 1 पर आते हैं, अभी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम लोग करेंगे एग्जांपल नंबर 1। जब मैं क्वेश्चन करना हूँ तो फिर आप लोग जो है वेट करिएगा मेरे क्वेश्चन के एंड हो जाने का, उसके बाद ही आप लोग उसे कॉपी करिएगा। दूसरा एक चीज, कोई भी डाउट होगी तो मेरे क्वेश्चन के एंड होते ही आप लोग फिर जो है उसको कॉपी कर लीजिएगा। नो सर, आप ऐप में नोट्स और वीडियोस शो नहीं हो रहा है। जिसको भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती हो, मैंने आप लोग को नंबर दे दिया है, आपको पता है किस नंबर पर कांटेक्ट करना है, वहाँ पर आपको जो है सारी की सारी आपकी क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। सो आइए एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अ क्लब रिसीव्ड ₹20,000 एज सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर 2015-16। क्लब को कितना पैसा मिला? क्लब को मिला इस साल आपका 15-16 में ₹20,000, ऑफ विच ₹3,000 रिलेट्स टू 2014-15। अब ध्यान से यहाँ पर बात को समझिएगा, जो मेरा करेंट ईयर है ये तो हो गया 15-16, और जो मेरा लास्ट ईयर है पिछला साल हो गया मेरे को
14 15। अभी मेरे को यहाँ पर बता रहा है अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपको इस साल कितना पैसा मिला? आपको इस साल जो पैसा मिला है वो आपको मिला है 20,000 रुपये, ठीक है, मगर आपसे कह रहा है ऑफ विच ₹3,000 रिलेट्स टू 2014-15, मतलब उसमें से 3,000 रुपया इस साल का नहीं है, 15-16 का नहीं है, जो 3,000 रुपया है वो हमारा पिछले साल का है। सो अगर मैं बात करूं जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पैसा होता है जो हमें इस साल मिलता है, हम तो क्या कर देते हैं उसको, हम उसको लेस कर देते हैं। हम यहाँ पर लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपको लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो कि इस साल मिला है वो कितना है स्टूडेंट्स, वो है 3,000 रुपये। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लेस कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेस कर दिया, लेस क्या चीज़ कर दी, लेस कर दिया मैंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। फिर आप आगे ध्यान से देखिएगा एंड ₹2,000 to 2016-17 ₹2,000 आपको क्या चीज़ का मिला है, 16-17 का। अब ये 16-17 क्या हो गया, ये 16-17 हो गया मेरा नेक्स्ट ईयर। प्लीज ध्यान से बात को समझिएगा। तो मेरे को यहां पर क्या बता रहा स्टूडेंट्स, मेरे को यहां पर ये कहना चाह रहा है कि आपको ₹2,000 जो रिसीव हुआ है ना वो इस साल का नहीं है, वो पिछले साल का भी नहीं है, वो अगले साल का है। तो वो भी क्या है मेरे लिए, वो है मेरे लिए एडवांस। तो बेसिकली जो एडवांस हमें रिसीव होता है, एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर, आप उसको भी क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ये कितना एडवांस स्टूडेंट्स, ये 2,000। ओके एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 2015-16, ये बात बहुत ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एंड ऑफ द ईयर 2015-16 ₹6,000 आर स्टिल रिसीवेबल। अभी 2015-16 का अपने को 6,000 रुपया मिलना बाकी है, मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है। ऐड करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ऐड हम लोग, ऐड करते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर। इस साल का मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है स्टूडेंट्स, इस साल का आउटस्टैंडिंग है मेरा 6,000 रुपये। बेसिकली प्लीज़ ध्यान से एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। अगर मैं आप लोग को फिर से बात बता दूं, अगर आप लोगों को ये एनुअल सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक समझ में आ जाता है तो मेरे लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, चैप्टर आप लोगों के पूरी ग्रिप में होगा। मुझे इस चैप्टर में इसके बाद बहुत कम टॉपिक्स को समझाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग बात को यहाँ पर समझिएगा कि हम चीज़ों को एक्रुअल कंसेप्ट के हिसाब से देखेंगे, हम इनकम उसी समय की मानेंगे जब वो अर्नड हो जाए, ना कि जब वो कैश में रिसीव हो जाए। कैश में रिसिप्ट इज नॉट द क्राइटेरिया टू रिकॉग्नाइज आर इनकम। कैश में पैसा रिसीव होना हमारे लिए क्राइटेरिया नहीं है कि हम उसको इनकम के तरीके से दिखाएं। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमको इस साल 20,000 रुपये मिला एज सब्सक्रिप्शन और उसमें से 3,000 रुपये तो पिछले साल का है, तो जो 20,000 रुपये हमको मिला उसमें से अगर 3,000 रुपये अगर पिछले साल का है तो ऑब्वियसली वो मेरी इस साल की इनकम नहीं हुआ, उसको मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। और आपको ये भी लिखा हुआ है कि 2,000 रुपये आपको नेक्स्ट ईयर का मिला है, 16-17 का मिला है, तो वो भी मेरे इस साल की इनकम नहीं हुआ, मैं उसको भी यहाँ से माइनस कर दूंगा। फिर आपको लिखा हुआ है एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 15-16 6,000 आर स्टिल रिसीवेबल, 6,000 रुपया इस साल का
अभी भी बकाया है। तो अगर वो ये 6000 रुपया अगर इस साल का अगर हमें अभी भी बकाया है, तो फिर ये बेसिकली मेरे लिए इस साल की इनकम हुआ। जो इस साल का मेरा पैसा बकाया है वो मेरे लिए इस साल की इनकम हुआ। तो फिर आप क्या करोगे यहाँ पर, आप ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, 6000 रुपया आपने इस साल का ऐड कर दिया। तो अब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा ₹21,000 और ये हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹21,000। अमूल इज रेजिंग इज हैंड। यस अमूल, इफ यू कैन चैट, इफ यू कैन टाइप योर क्वेरी ऑन द चैट बॉक्स। अमूल, इफ यू कैन टाइप योर क्वेरी ऑन द चैट बॉक्स। यस यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, यू हैव रेज योर हैंड अमूल। अमूल, डू यू वॉन्ट मी टू रिपीट द होल टॉपिक और जस्ट दिस क्वेश्चन अगेन? आप चाहते हैं कि मैं पूरे टॉपिक को फिर से समझाऊं, या आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं इस क्वेश्चन को आपको फिर से समझाऊं? ओके, जस्ट क्वेश्चन अगेन, परफेक्ट। एक्चुअली अभिजीत भी यही कह रहा है, सर एक बार फिर से समझा दीजिए। एक बार फिर समझ लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ दिखाई देगा, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसके स्क्रीन को बदल दूं। आपको इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ दिखाई देगा कि आपको ₹20,000 रिसीव हुआ है मेंबर से। कितना पैसा आपको रिसीव हुआ है इस साल? आपको ₹20,000 मिला है अपने मेंबर से, जिसमें से ₹3,000 आपको पिछले साल का मिला है। तो आप बताओ ना मेरे को, अगर मेरे को ₹20,000 मिलता है और उसमें से ₹3,000 अगर पिछले साल का मिलता है, तो क्या वो ₹3,000 मेरी इस साल की इनकम है? नहीं है ना, तो ₹3,000 मैंने इस साल के इनकम में से माइनस कर दिया। अभी इसमें लिखा हुआ है कि ₹2,000 आपको 16-17 के लिए मिला है, मतलब अगले साल के लिए मिला है, क्या वो मेरे इस साल की इनकम हुआ? नहीं ना, वो भी मेरे इस साल की इनकम नहीं हुआ। फिर आपको कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर ₹6,000 आर स्टिल रिसीवेबल फॉर द ईयर 2015-16। अभी भी आपको 15-16 के लिए ₹6,000 रिसीवेबल है, मतलब ₹6,000 अभी भी आपको मिलना बाकी है। तो क्या वो आपकी इस साल की इनकम हुआ? यस, वो आपकी इस साल की इनकम हुआ। तो फिर आपने ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ₹6,000। आप जब ऐड कर दोगे तो फिर आ जाएगा आपका इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹21,000। एनी फर्दर डाउट इन दिस क्वेश्चन? एनी फर्दर डाउट इन द क्वेश्चन? चलो, परफेक्ट परफेक्ट, आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव नोटेड दिस क्वेश्चन। चलो परफेक्ट नमन, एक्चुअली इसका जो आंसर है वो गलती से सॉल्व किया वही है, दे दिया है। चलो अब हम लोग यहां पर एग्जाम्पल नंबर टू पर आते हैं, अपने ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर टू पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर टू सेज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एज एट 31 मार्च 2016। आपको सब्सक्रिप्शन निकालना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग निकालना है एज ऑन 31 मार्च 2016 है।
इसमें देखो अभी हमसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है आपको? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आप बताइए अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2016। प्लीज़ ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछता है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2016। आपसे इनकम नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, आपसे ये क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है आउटस्टैंडिंग बताओ। सर ये आउटस्टैंडिंग हम लोग कैसे बता सकते हैं? तो देखते हैं कैसे बता पाएंगे। अ क्लब हैज़ 250 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1000। क्लब में कितने मेंबर्स हैं? एक क्लब के 250 मेंबर्स हैं। अ क्लब हैज़ 250 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1000। क्लब के 250 मेंबर्स हैं और हर मेंबर कितना एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करता है मुझे? ₹1000। एक बात बताइए फ्रेंड्स, अगर एक क्लब में अगर 250 मेंबर्स हैं और हर मेंबर को ₹1000 सालाना देना है, इसका मतलब है जो क्लब की इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन बनती है वो तो क्लियर हो गया, वो तो 2.5 लाख हो गया। नहीं समझ में आया? अरे क्लब में कितने मेंबर्स हैं? 250 मेंबर्स, हर मेंबर को साल का कितना रुपया देना है? हर मेंबर को साल का देना है ₹1000। अगर 250 मेंबर साल भर में ₹1000 देते हैं तो क्लब की इनकम कितनी बनेगी? क्लब की इनकम बनेगी ₹2.5 लाख। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे यहाँ पर अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं और हर बच्चा मुझे साल का ₹10000 देता है, तो फिर मेरी इनकम कितनी बनेगी? 100 बच्चों से 10000, 100 से 10000, तो 100 × 10000 मेरी इनकम बन गई ₹10 लाख। वैसे ही इस क्लब की इनकम कितनी बनेगी? अगर 250 मेंबर्स हैं और हर मेंबर अगर हमको साल का ₹1000 पे करता है, तो फिर यहाँ पर क्लब की इनकम कितनी बन जाएगी? क्लब की इनकम बन जाएगी हमारी 250 × 1000। 250 × 1000 कितनी बन जाएगी क्लब की इनकम? क्लब की इनकम आपकी बन गई आपकी 2.5 लाख। ये 2.5 लाख हो गया हमारा इनकम क्लब का। सर यहां पर तो आपने इनकम घट से निकाल करके बता दिया। यस, तुरंत निकाल करके बता दिया, क्योंकि यहाँ पर मेंबर्स कितने ये बता दिया था क्वेश्चन में, यहाँ पर कितना एनुअल सब्सक्रिप्शन ये बता दिया था क्वेश्चन में, तो मैंने इनकम तुरंत तुरंत निकाल करके बता दिया। फिर आपको लिखा हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ सम ऑफ ₹2065 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन। मगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको ये दिखाता है कि इस साल जो आपको पैसा रिसीव हुआ है, जो आपको पैसा रिसीव हुआ है वो है आपको ₹2,65,000। प्लीज फिर से बात को समझिएगा, मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या कह रहा है? मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये कह रहा है कि हमको जो पैसा इस साल रिसीव हुआ है, जो हमको इस साल पैसा मिला है, वो मिला है ₹2,65,000। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, आपका जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2015 को वो है 40,000। आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है ऑन 31 मार्च 2016, वो है 30,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015, वो है 12,000। आपको यहाँ पर ये डाटा दे दिया है। सर समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसे करना है, मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ध्यान समझो। एक बार जब क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, पता है आपको? क्वेश्चंस के फिगर्स को सिर्फ एक बार नोट कर लेना चाहिए, खुद ब खुद चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे आपको दिया हुआ है अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपको लिखा है अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, आपको कितना पैसा रिसीव हुआ? आपको रिसीव हुआ ₹2,65,000। फिर आपको लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, 40,000। हमारा ईयर कौन सा है? ये 2015 का जो आउटस्टैंडिंग हुआ, ये 2015 का मतलब हुआ, 2015 का मतलब हुआ आपका लास्ट ईयर। सर आपको कैसे समझ में आया कि इसका मतलब लास्ट ईयर हुआ?
क्योंकि आपको यहाँ पर कहीं 2016 भी दिया हुआ था ना, 31 मार्च 2016 दिया हुआ था। तो 31 मार्च 2016 हमारा करेंट ईयर हो गया और हमारा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया है 40,000। तो मैंने कहा अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारा 40,000 है, हम लोग लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग अमाउंट को क्या करते हैं, लेस करते हैं। लेस करते हो आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग कितना है? लास्ट ईयर का मेरा जो आउटस्टैंडिंग है वो है 40,000। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर का मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है? लास्ट ईयर का जो मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो है 40,000। हम लोग लेस कर देते हैं। हम लोग फिर ऐड करते हैं क्या, अगर लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम लोग लेस करते हैं तो हम लोग ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर। करते हैं ना ऐड, बताओ ना। हम लोग ऐड करते हैं क्या, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। क्या आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर दिया है? नहीं, आपसे यही तो पूछा है। आपसे पूछ रहा था फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2016। आपसे पूछ रहा था व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2016, मतलब करेंट ईयर में आप बताओगे कि कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। और करेंट ईयर में जो आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है क्या हमको वो पता है? हमको वो नहीं पता, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया एक्स। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है। ठीक है, छोड़ दो उसको। फिर आपको देखो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016। फिर से यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 31 मार्च 2016, मतलब करेंट ईयर में आपको जो पैसा एडवांस मिला है आपको वो बता दिया। करेंट ईयर का जो एडवांस है आपको वो बता दिया। जब आपको करेंट ईयर का एडवांस मिल गया तो फिर आपको पता है इसको आप क्या करोगे, आप इसको लेस कर दोगे। लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर 30,000। अच्छा, फिर हम लोग बात करें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015। ये 31 मार्च 2015 मतलब ये आपको दे दिया है लास्ट ईयर। तो फिर आपको पता है आप इसको क्या करोगे, आप इसको ऐड कर दोगे। ऐड कर दो क्या, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या मिल जाता है? इसके बाद मुझे मिल जाता है इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन। और मैंने आपको बता दिया इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना है। इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन है हमारा 250 मेंबर से 1,000, मतलब 2,50,000। इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना है हमारा बता दिया है, हमको 250 मेंबर से 1,000 रुपये मिलना था, मतलब 2,50,000। अब देखो स्टूडेंट्स, मेरे आगे एक इक्वेशन आ गया है जिसमें 2 65 - 40, 2 25, 2 25 माइनस 30, 2 25 माइनस 30, 195, 195 प्लस 12, 195 प्लस 12, 2,07,000, 2,07,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2,50,000। आप लोग प्लीज़ इस इक्वेशन को खुद से एक बार इक्वेट करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि नहीं। जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर बनाया वो कुछ ऐसा बना, 2,50,000
7,000 plus x is equal to 2,50,000 और दिस सिंप्लीफाइज, आपको फिर x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2,50 माइनस 2,07,000 और ये आ रहा है आपका 43,000. दिस इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट 31 मार्च 16, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर. एक बार क्या मैं फिर से समझा दूं अपने स्टूडेंट्स को, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा. अगर हम लोग बात करें देन व्हाट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम अस, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर. आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बताओ एज एट 31 मार्च 2016 कितना है. तो आपने यहाँ पर देखा कि आपको अमाउंट रिसीव तो बता दिया था, आपको अमाउंट रिसीव बता दिया था 2,65,000, ठीक है. आपको पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बता दिया था जिसको मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया. आपको इस साल का आउटस्टैंडिंग नहीं बताया था तो मैंने उसको एस्यूम कर लिया टू बी एक्स. आपको पिछले साल जो एडवांस मिला था आपको वो भी बता दिया था और आपको जो इस साल एडवांस मिला था वो भी बता दिया था. आप पिछले साल के एडवांस को मैंने प्लस कर दिया, इस साल के एडवांस को मैंने माइनस कर दिया. तो बेसिकली इतना काम करने के बाद में निकलता क्या है, निकलता है मेरा इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन. और इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन मुझे पता है ये है मेरा 250 × 1,000. तो बेसिकली अगर इसको मैंने एक फॉर्मूला बेस्ड तरीके से या इसी फॉर्मेट में अगर उतारा तो मेरे लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ अननोन रह गया, वो रह गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर. और ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर है मैंने उसको एक्स माना तो फिर मैंने इसी चीज़ को जो है एक वेट कर दिया, इतने चीज़ों को एक वेट कर दिया, प्लस माइनस कर दिया. तो मेरे को यहाँ पर क्या मिला 2,07,000 प्लस एक्स बराबर 2,50,000 और मैंने यहाँ पर फिर एक्स की वैल्यू निकाल ली. एक्स की वैल्यू आ रही है मेरी 43,000, मतलब जो मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 31 मार्च 2016 को वो है 43,000. होपफुली स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ यू कैन आस्क योर डाउट. क्लियर है सर? यस सर. चलो ग्रेट 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 आदित्य, ग्रेट रियोम, ग्रेट राजीव, ऑल क्लियर, मतलब पूरा ऊपर तक क्लियर या सब कुछ समझ में आ गया? आई होप सो. ये क्लियर का मतलब क्लियर वाला क्लियर है, बाउंस वाला क्लियर नहीं है. राजीव गुड टू सी एवरीवन रिप्लाइंग, सब क्लियर है, अंडरस्टैंड. ओके अभिजीत, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. चलो परफेक्ट. आप लोग इस नोट्स को उतार लीजिए, ठीक है. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, मगर आज छोटा सा और कंसेप्ट इसी में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. सो
मैं चाहूँगा कि इसमें आप लोग मेरी हेल्प करें, आप लोग मुझे इसका जवाब बताएं, और ताकि मुझे समझ में आ सके कि आप लोग कितना समझ रहे हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्लीज़ उसका रिप्लाई करने की कोशिश करिएगा। आप लोग ध्यान सुनिए, मैंने कहा मुझे इस साल 100 रुपये मिला है, इस 100 रुपये में मैंने कहा पिछले साल का बकाया 10 रुपये था, तो इस साल की मेरी इनकम कितनी हुई? प्लीज़ ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैंने कहा मुझे इस साल 100 रुपये, या चलो लेट्स चेंज दी फिगर्स, मैंने कहा इस साल मुझे 500 रुपये रिसीव हुआ है और मेरा पिछले साल का बकाया 20 रुपये का था, तो मेरी इस साल की इनकम कितनी हुई? प्लीज़ रिप्लाई फास्ट। मैंने कहा मुझे 500 रुपये रिसीव हुआ है और मुझे मेरा पिछले साल का बकाया 20 रुपये था, तो मेरी इनकम कितनी हुई? गुड राजीव, 480। विनायक, वेरी गुड, 480। रियोम, 480। आशुतोष, 480। 480, 480, 480, 480, 480, 480, एक्सीलेंट, एवरी वन इज रिटन 480। ओके, स्टॉप। अब इसके आगे सुनिएगा ध्यान से, स्टॉप। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ। मैंने कहा मेरे को इस साल 500 रुपये मिला है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग मेरा 20 रुपीज था, मगर पिछले साल के आउटस्टैंडिंग में से मुझे सिर्फ 15 रुपये रिसीव हुआ है। प्लीज़ मैं क्वेश्चन को अपने एक बार राइट डाउन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को सुन करके आंसर करिएगा। व्हाट आई एम सेइंग टू यू ऑल इज, मैं कह रहा हूँ अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये हमारा 500 है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, ये है मेरा 20 रुपये, बट आउट ऑफ विच ओनली ₹15 इज रिसीव्ड। आप बताइएगा मेरी इस साल की इनकम कितना हुआ? ओके, सो ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज़ स्टॉप। मुझे अगर 500 मिला और 500 में से 20 तो बकाया था, तो आमतौर पर हम लोग क्या करते थे, 500 में से 20 को माइनस कर देते थे। मगर आपको ये देखना है कि इस 500 में से आपको पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना रिसीव हुआ। कहने का मतलब क्या है, अगर पिछले साल का 20 रुपये बकाया था मगर हमको पूरा 20 रुपये मिला तो है नहीं, हमको तो मिला बस 15 रुपये है, तो इस 500 रुपये में, आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कंसेप्ट आपको यहीं से डेवलप होगा, इस 500 रुपये में आपको लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग का जो रिसिप्ट अमाउंट होगा, जो आउटस्टैंडिंग आपको लास्ट ईयर का जो आपको रिसीव हुआ होगा, ये कितना आपको लास्ट ईयर का रिसीव हुआ है आउटस्टैंडिंग, ये बताएंगे आप लोग? तो ये आपको जो लास्ट ईयर का रिसीव हुआ ये है 15 रुपीज। तो आप लोग समझिए स्टूडेंट्स कि यहां पर आप क्या करेंगे, आपको 500 मिला, आपने कहा सर इसमें से 15 रुपये हमको पिछले साल का मिला था, तो फिर आप यहां पर लेस कितना करेंगे, आप यहां पर लेस 20 नहीं करेंगे, आप यहां पर लेस करेंगे सिर्फ 15। तो आपकी जो इनकम बन जाएगा, आपकी इनकम बन जाएगा 485। फिर से ध्यान से बात को समझिएगा, आपको अगर 500 रुपये मिला
और 500 में से आपको पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रिसीव कितना हुआ था? आपको पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रिसीव हुआ था 15। तो फिर आपके लिए जो इनकम हो जाएगा वो हो जाएगा 485। 480 नहीं सर, आप तो क्या करवाते थे सर, आप तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग को सीधे माइनस करवा देते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स वहां पर ऐसा कोई पॉइंट लिखा हुआ नहीं था। मैंने अगर सिर्फ इतना लिखा कि मेरा पिछले साल का 20 रुपये बकाया था, इसका मतलब ये हुआ कि हमको पिछले साल का 20 रुपये बकाया में से पूरा इस साल मिल गया, तो मेरे लिए जो इनकम बनेगा वो तो बनेगा 480। मगर अगर मैंने ऐसा लिखा कि मेरा पिछले साल का बकाया 20 रुपये था, मगर उसमें से मुझे 15 रुपये ही मिला है, या 5 रुपये पिछले साल का अभी भी बकाया है, तो इसका मतलब है इस साल की जो मेरी इनकम बनती है वो बनती है 485। कितनी इनकम मेरी बनती है? 485, ना कि 480। प्लीज़ ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, समझिए। आपको इस 500 रुपये में से उस अमाउंट को हटाना है जो कि पिछले साल का आपको रिसीव हुआ है। तो आपको पिछले साल का रिसीव 20 रुपये नहीं हुआ है, आपको पिछले साल का रिसीव सिर्फ 15 रुपये हुआ है। सो आप यहाँ पर कितने रुपए को हटा देंगे? आप यहाँ पर 15 रुपये को माइनस कर देंगे, तो फिर जो आपकी इनकम बनेगी वो बनेगा 500 माइनस 15, आपकी इनकम बना 485। इनकम इज 485। प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्या ये फंडा सबको क्लियर है? इसी फंडे पर बेस्ड हम लोग आगे अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे। और फिर आगे, सर व्हाट अबाउट ₹5? वो ₹5 अभी भी हमारा एरियर है विनायक, उसको हम लोग आगे ट्रीटमेंट उसका सीखेंगे, उसका काम करेंगे। वो 5 रुपये हमको आगे मेंबर्स देंगे, मगर वो 5 रुपये पिछले साल का हमको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। आपके लिए इनकम जानना है, आपको अगर इनकम को समझना है, तो बेसिकली इनकम आपके लिए सिर्फ 485 रुपीज़ है, 5 रुपया अभी भी पिछले साल का आपको रिसीव नहीं हुआ है, मेंबर्स ने अभी तक उसको आपको पे नहीं किया है। एनी अदर डाउट फ्रॉम दिस टॉपिक? एनी अदर डाउट? चलो, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू एवरीवन, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन। मैं आप लोगों को बता दूं, आई फील वेरी पॉजिटिव इन टीचिंग यू ऑल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ा करके, होपफुली आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। जो भी हमारे सराउंडिंग्स में चल रहा है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ, आप इन सब चीज़ों को दो तरीके से हरा रहे हैं। एक तो आप अपने घर पर बैठे हुए हैं, मगर दूसरा आपने अपनी पढ़ाई को नहीं रोका। हम अपनी प्रगति को, हम अपनी प्रोग्रेस को जब रोक देंगे, तब समझ लीजिए कि दुश्मन हमसे जीत गया। आज कोरोना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर और हम लोग अगर अपने घर पर बैठ बैठ करके अगर अपने टाइम को यूं ही वेस्ट करते हैं, सो हमने कहीं ना कहीं पर उस कोरोना को जीतने दे दिया। आप लोगों को इसका फायदा तब नजर आएगा जब आपके फ्रेंड्स जो है लॉकडाउन ओवर होने के बाद, जो कि पता नहीं कब ओवर होगा, उसके बाद में दे विल बी सर्चिंग फॉर अ गुड कोचिंग क्लासेस, और तब उनको समझ में आएगा कि उन्होंने अपने प्रीवियस 1 मंथ के टाइम को वेस्ट कर दिया। और ये चीज़ आप लोगों के साथ में नहीं होगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को लगेगा कि नहीं, हमने अपने 1 महीने के टाइम पीरियड को भी यूटिलाइज़ किया, हमने पढ़ाई करते रहे, हमारे पास में पूरे के पूरे वीडियोस थे, हमने उन वीडियो लेक्चर्स का यूज़ किया, हमारे पास में स्टडी मटेरियल था, हम घर पर टाइम को यूटिलाइज़ करते रहे। तो आप कभी भी अपने आप को डिसअपॉइंटेड नहीं फील करेंगे, आप हमेशा अपने आप को आगे पाएंगे। और साथ साथ में मैं एक बात बताऊँ, एक छोटी सी स्टोरी भी आप लोगों को बताऊँ। हेलो,